अगली खबर पलवल से। पलवल जिला सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में जिला उपायुक्त नेहा सिंह, एसडीएम नरेंद्र कुमार व जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में आई शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुनकर उनका समाधान किया गया। एसडीएम नरेंद्र कुमार ने बताया कि समाधान पलवल जिला सचिवालय में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों की समस्याएं और शिकायतों को सुन रहे हैं। समाधान शिविरों में आ रही शिकायतों का जल्दी से जल्दी समाधान भी करवाया जा रहा है। ज्यादातर शिकायतें पेंशन और फैमिली आईडी से संबंधित आ रही है। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी व उनकी टीम शिविर में कंप्यूटर से तुरंत समाधान करने का कार्य कर रही है। देखिए, ये हरियाणा सरकार का एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें डेली 9 से 11 बजे तक सारे के सारे जो अपने विभाग हैं, उनके सारे जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ बैठते हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए यहाँ पे बैठते हैं और जितने जल्दी हो सकता है उस चीज़ का समाधान करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की ग्रीवेंस आ रही है? देखिए, जो ग्रीवेंसेज हैं लोगों की हर तरह की हैं। कुछ की फैमिली आईडी से रिलेटेड है, कुछ की प्रॉपर्टी आईडी से है, कुछ की पंचायत से रिलेटेड है। तो तरह तरह की ग्रीवेंसेज आ रही हैं जिनका समय पर निपटान करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। सरकार की कैसी मुहिम है? ये सरकार की काफ़ी बढ़िया मुहिम है। मैं मानता हूँ कि इससे काफ़ी फायदा भी हो रहा है लोगों को और हमारे पलवल जिले में भी जो समाधान का जो स्तर है, परसेंटेज है, वो काफ़ी अच्छा है। तो जो समाधान से लगाए हुए हैं, इससे मतलब कि बहुत फर्क पड़ा है और इसे सरकार ने बड़ी अच्छी पहल की है और यहाँ के हम डीसी साहब का भी स्वागत करते हैं। इससे क्या है कि हमारे जो समाधान के लिए जाते हैं उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ता, एक ही जगह जाके उस समस्या का समाधान होता है, चाहे किसी भी मतलब की समस्या का समाधान हो, किसी से रिलेटेड, चाहे पेंशन विभाग हो, किसी भी विभाग से सारी समस्या, चाहे आपकी प्रॉपर्टी आईडी का हो या फैमिली प्रॉपर्टी का हो, वहीं पर जो समाधान है वो समाधान वहीं पर समाधान हो जाता है।